आपका स्वागत है सिंग फूड लवर में। सिंग फूड लवर में जो आज बनने जा रहा है वो ये अराबी चिकन अराबिता पास्ता। चिकन अराबिता पास्ता बनाने के लिए आपको एक कप टोमेटो कोन कैसे, पास्ता बॉयल, येलो पिमेंटोस, गार्लिक चॉप, अनियन चॉप, रेड बेल पेपर, चिकन बॉयल, ऑरिगेनो, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑयल, ग्रीन कैप्सिकम। अब हम इसको बनाने की विधि स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले ऑयल डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून, ऑयल जैसे ही गर्म होएगा हम गार्लिक चॉप डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म है, हम गार्लिक चॉप डाल रहे हैं और ज्यादा गार्लिक को हम पकाएंगे नहीं। जैसी गार्लिक की फ्रेग्रेंस आएगी हम इसके अंदर अनियन चॉप डाल देंगे। जैसे कि फ्रेग्रेंस आ चुकी है हम इसके अंदर अनियन चॉप डाल दिए। अनियन जैसी ट्रांसलूसेंट हो जाएगा हम इसके अंदर कैप्सिकम डाल देंगे। तीनों प्रकार की कैप्सिकम डाल देंगे। जैसे हमने तीनों प्रकार की कैप्सिकम डाल दी, इसको हम थोड़ा पकाएंगे, उसके बाद हम टोमेटो कैसे डाल देंगे। हम टमाटो कैसे डाल देंगे। इसको हम वेजी के साथ 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसके अंदर सॉल्ट डाल रहे हैं 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। हम 2 मिनट के लिए इस चिकन को इसमें टाइम दें, चिकन बॉयल। आप देख रहे हो टमाटो की कैसी स्मेल, अच्छी अरोमा आ रहा है, काफी कलरफुल डिश है ये। शेफ, ये 3 कैप्सिकम अलग अलग डालना जरूरी है या कोई भी एक कैप्सिकम से भी चला सकता है? कोई बंदा एक इसके पास अवेलेबल है वो एक भी डाल सकता है। जिनके पास पिमेंटोज अवेलेबल है वो तो गुजारा कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो हरी शिमला मिर्च से भी गुजारा कर सकते हैं। हम इसके अंदर ऑरिगेनो डालते हैं। ऑरिगेनो फ्लेवर्स के हिसाब से लोग डालते हैं, कोई तेज डालता है, कोई
हल्का डालता है, किसी को फ्लेवर्स पसंद है उसके, तो वो तेज डाल देते हैं, कोई कम डाल देते हैं, हर एक अपने फ्लेवर्स के हिसाब से डालते हैं। बट हमने इसके अंदर ऑरिगेनो 1 टीस्पून पूरा डाला है। अब इसके अंदर हम अपना आखिरी इंग्रेडिएंट पास्ता डालेंगे और इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। और इसको डाल के हम 2-3 मिनट पकाएंगे। आप देख रहे हैं पास्ता ने सारी सॉस उसके ऊपर कोट हो चुकी है। हमने अच्छे से मिला लिया। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे एक बाउल के अंदर। ये हमारी डिश चिकन अराबिता पास्ता बन चुकी है। आप भी इसको बनाइए और अपने रिव्यूज दीजिए हमारी डिश पे। हम आपको अपनी अगली डिश के साथ जल्दी मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।